जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, गायत्री परिवार पहुंचा है जोधपुर सभी स्टूडेंट के साथ। और ये वो जवान है जो अपना नारा है कि वर्दी तो हर हाल में पाना है, दीपावली बॉर्डर पे मनाना है। तो देखिए, कल इन सब का एग्ज़ाम है। गायत्री परिवार की ओर से इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इनका पेपर बहुत अच्छा हो। और जो हम लोगों ने इनको पढ़ाया है या इन लोगों ने कहीं से और से पढ़ाई करी है, भगवान से दुआ करते हैं उसी में से इनके आए। ठीक है, अब इनमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे मैं दो बात पूछना चाहूँगा। भाई, आपकी तैयारी वगैरह कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास है सर। जैसे मान लो कि आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, हाँ जी, या कुछ भी करते हो, स्कोर वगैरह कितना रहता है? स्कोर वगैरह देखो सर, जो बिना तैयारी किया वो तो मिनिमम मतलब 35 के या 40 के करीब रहता है। लेकिन अदरवाइज जो अगर हम तैयारी करते हैं तो तैयारी पे देते हैं तो बोलते हैं ना कि एक या दो नंबर की तैयारी होती है, तो तुक्का लगा के तो 40-45 आ ही जाते हैं। लेकिन तैयारी पे आते हैं 50+ या 60 के करीब आते हैं। अच्छा, तो हमने आपकी क्लास देखी तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बढ़ाई मत कर। नहीं नहीं, ये झूठी बढ़ाई नहीं नहीं सर, बढ़ाई हम हरियाणा से है सर, हम झूठी बढ़ाई क्यों करेंगे सर? हरियाणा के सर झूठ वो हमारे उसमें है ही नहीं सर। बिल्कुल, आपको पता भी हरियाणा है कैसे है सर। बिल्कुल। तो आपकी जो क्लास वगैरह देखी उसमें सीखने को मिला, देखते हैं। बाकी सभी स्टूडेंट आए हुए हैं और सब कुछ अपना तैयारी करके भी आए हुए हैं, दो 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 दिन पहले आ रखे हैं। 4 तारीख का कल हमारा एग्ज़ाम है, मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा है, तो मेरे साथ में मेरे भाई है, ये भी सभी भाई है, किसी का इवनिंग में है, किसी का कहीं पे है। तो हम ये चाहते हैं कि सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो, अदरवाइज़ अगर कोई भी रह जाता है तो हम भगवान से पूरी वो करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भगवान एक दो नंबर लगवा के उसका भी एग्ज़ाम क्लियर करवा दे। और आप जैसे सर की हमारे साथ दुआ रही तो बिल्कुल फिर तो मैं तो इसीलिए आया हूँ भाई, मैं भी तो सीख, मेरा कोई एग्ज़ाम थोड़ा ही नहीं, मैं किसी स्टूडेंट के साथ आया हूँ। मेरे पास में 150 स्टूडेंट थे ना, मैं किसी भी स्टूडेंट को यहाँ नहीं लेके आया हूँ। हाँ, ये तो है ही सर, मेरा टारगेट वो नहीं है। ऑनलाइन वाला अलग है, ऑफलाइन वाला, यूट्यूब का काम अलग है, डिफेंस का काम अलग है। ठीक है सर, आप लोग जो आए हो हमारे साथ इतने लोग, हाँ जी, तो पहली बात तो आप देखिए गायत्री परिवार से जुड़े हो, उसके लिए भी आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि जो हमारे चैनल पे जो चीज़ आप लोगों को दी जाती है ना, वो आपको जेन्यून मिलेगी। आपको जो बात मतलब यहाँ बोल के जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और दूसरी हमारे अंदर कुछ और मिलेगा, ऐसा नहीं है। ज़ुबान जो दिया है उसी ज़ुबान पर रहेंगे। आप लोगों के सपोर्ट से ही जोधपुर आए हैं, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे भी हम सब लोग साथ रहेंगे। देखो, भर्तियाँ आती रहती है, जाती रहती है, ठीक है ना? मतलब हम कोई VIP नहीं है, हम आप ही की तरह हैं, और अपने को भगवान आपके साथ ही बना के रखे। अपने को कहीं जाना नहीं है, आप लोगों की सेवा करनी है, और आप लोगों से हमारा घर परिवार भी आप लोगों से ही चलता है। देखो, सीधी सी बात है। तो मेरे को दुख इस बात का हुआ है, मैं जोधपुर आने का मेरा रीज़न यही है कि बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को गुमराह किया है। आपका एग्ज़ाम 4 तारीख को होना था, हम 1 नवंबर से आप लोगों के लिए यही बोल रहे थे कि 4 तारीख को होगा। आप में से जो भरोसा किया है वो रेगुलर पढ़ रहा था, और जो भरोसा नहीं किया है वो तो देखो खुद उसकी कमी है। मैं यही बोलता था कि बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो बार बार वीडियो डाल रहे हैं और बच्चों को ऐसे कर रहे हैं, भाई 4 को नहीं होगा, 8 को होगा, 10 को होगा, अरे दिसंबर में एग्ज़ाम ही नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा ही होता है यार। BSF का 2012 से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, पहले हमारा ऑफलाइन था, 2018 से हमने यूट्यूब पे वीडियो बनाना लग गए, अच्छे लोग जुड़े आप लोगों की तरह, तो फिर आगे भी हम लोग वीडियो बनाने लग गए। लेकिन कभी भी झूठी अफवाह फैला के आप व्यूज लेते हो तो एक वीडियो में ले लोगे, दो में ले लोगे। भैया, मेरे को ये बताओ कि जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया था तो 10 ही स्टूडेंट जुड़ते थे, और अभी मैं परसों की क्लास, कल की शाम की क्लास, तो मैं कल तो मेरा वैसे ही तबीयत थोड़ा ठीक था, परसों की क्लास छोड़ गया, 627 स्टूडेंट के साथ छोड़ गया हूँ। तो वो ऐसे नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों का भरोसा है, और ये भरोसा कायम रहेगा। हम तो भगवान से दुआ करते हैं भाई आप लोग इसी में हो जाओ। लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगा, 40 दिन के बाद में आपका SSC GD का एग्ज़ाम है, आपकी अच्छी तैयारी है सब लोगों की, इसका रिजल्ट आएगा ना, उससे पहले पहले वो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी छोड़ना नहीं है एग्ज़ाम, 4 तारीख को कल एग्ज़ाम हो जाए, कल रेस्ट नहीं करना है, रेस्ट कब करना है, जब ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आए, ठीक है ना? हाँ जी। तो टारगेट बनाना है, बाकी ऊपर वाले से भगवान से दुआ करते हैं, बजरंग बली के जाके आएँ। क्यों जाते हैं? क्योंकि बजरंग बली हमारी इंडियन आर्मी हो, BSF हो, जितने भी कैंप्स है सब में हनुमान जी का मंदिर आप लोगों को मिलेगा। ये हमारी डिफेंस में भी हनुमान जी का मंदिर है। मैं यहाँ डिफेंस का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, डिफेंस का प्रचार करने की हमारे को आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि उसके लिए हमने बैच बंद करना पड़ा था बीएसएफ वाला। एक महीना पहले हमने बंद करके यूट्यूब पे वीडियो बना दिया था कि हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि बच्चे इतने आगे थे। फिर एक महीने में बच्चों की तैयारी नहीं होगी तो वो भी तो धोखा होगा ना भाई। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल भाई। 5,000 रुपये के लिए किसी का एडमिशन ले लिया तो वो भी तो धोखा है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात हुई और ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि कल अच्छा पेपर आए, एकदम आप लोगों के लेवल का पेपर आए। और देखो किस्मत होता है ना, जिस दिन अपने जो पढ़ा है वो पेपर में आ गया तो अपना काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। बाकी मैंने मेरी तरफ से देखो कोई कमी नहीं छोड़ी है। करंट अफेयर मैंने जून से लेके नवंबर लास्ट तक का करा दिया पूरा। और वैसे नहीं करवाया कि मैं 1,000-2,000 क्वेश्चन करवा दूँ, मैंने 200 क्वेश्चन छाटे थे, 200 क्वेश्चन मैंने साइंस के छाटे थे, वो मैंने आप लोगों को दे दिए। और आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके पास नहीं पहुँचे तो शंकर जी से नंबर ले लेना, रात को करंट अफेयर और जो साइंस के 200 क्वेश्चन जीके हैं उनकी पीडीएफ फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। और गायत्री परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भारत माता की। जय भारत माता की। जय। ठीक है, हाथ मिलाओ, ये काम।